नमस्कार। लेम बनाने की श्रृंखला के आज नौवे दिन में हम एक और नया लेम बनाने जा रहे हैं और इसका नाम है ट्रंकेटेड क्यूब। कागज से बनने के बाद में ये लेम कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हमारा ट्रंकेटेड क्यूब बनके तैयार है और आइए इसको देखते हैं कि आखिर ये बना कैसे। तो इसको बनने की अगर हम बात करें तो हमें क्यूब को देखना होगा। क्यूब के अगर मैं कोनों को कट लगा दूं तो हमें ये ट्रंकेटेड क्यूब बनता है, लेकिन ये पता लगाना जरूरी है कि कितने किस साइड की किस लेंथ तक हमें ये कोने कट करें तो हमारा ये ट्रंकेटेड क्यूब बनता है। तो उसके लिए अगर मैं इस पूरी साइड को तीन बराबर हिस्सों में बांट देता हूं, अगर मैं सभी साइड को तीन बराबर हिस्सों में बांट दूं और फिर अगर इनके कोनों को मैं सीधा ऐसे कट लगा दूं कि एक बीच का जो प्लेन है वो इन तीनों पॉइंट को अगर मिलाते हुए जो प्लेन बना उस प्लेन पे अगर मैं कट लगाता हूं तो हमारा ये ट्रंकेटेड क्यूब बन जाता है। और इसके अंदर आप पाएंगे कि इसमें इसका जो फेस था, जो क्यूब का जो अभी स्क्वायर फेस था, वो अब स्क्वायर नहीं होके एक ऑक्टागन बन गया है और इसके जो कोने थे वो कोने अब एक ट्रायंगल का रूप ले चुके हैं। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि कितने फेसेस होने चाहिए तो वो हम इसको देख के आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्योंकि क्यूब में 6 फेसेस हैं और 8 कोने हैं और ये अब 8 कोने भी इसके फेसेस में बदल चुके हैं। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो 6 ऑक्टागन हैं और 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो टोटल इसके अंदर 14 फेसेस हो गए। इस क्यूब में अगर हम कोनों की बात करें तो इसके अंदर 8 कोने थे, लेकिन जैसे ही हम इसके कोनों को कट लगा देते हैं तो अब इसके अंदर ये 8 कोने नहीं रह के 24 कोने हो जाते हैं, क्योंकि जो 8 कोने थे उस पे अगर हमने कट लगाया तो वो एक कोना नहीं रह के वो 3 कोने बन गए हैं। तो इसी तरीके से 8ों में भी 3 कोने बन चुके हैं तो वो 24 कोने बन जाते हैं इसके अंदर। और इसके हर कोने पे अगर हम देखें तो 2 ऑक्टागन और 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल मीट हो रहे हैं, क्योंकि ये भी एक आर्किमिडियन सॉलिड है तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। हर कोनों पे आपको दिखेंगे कि 2 ऑक्टागन और 1 ट्रायंगल मीट हो रहे हैं। और अगर हम इसकी एक और नई इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करें, इसका डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल का मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर जो दो फेसेस आपस में मिलती है वो किस एंगल पे मिलते हैं उसको डाइहेड्रल एंगल बोला जाता है। तो अगर हम देखें कि ऑक्टागन और ऑक्टागन आपस में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि हमने इसमें क्यूब में भी देख सकते हैं कि इसमें ये जो स्क्वायर फेसेस है इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब इस ऑक्टागन और ऑक्टागन के बीच का भी एंगल 90 डिग्री है, लेकिन जैसे ही हम इसके कोनों को कट करते हैं तो ऑक्टागन और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है इनके बीच का जो एंगल है वो 125 डिग्री 16 मिनट है।